क्या सर, आप समझा रहे थे लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता, आई नो, ठीक है, देखते हैं बेटा। यहां से मैं बता रहा था आपको सम क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है, बेटा पहले हम जनरल लेके चलते हैं, ठीक है, एक जनरल क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। और जनरल क्वाड्रेटिक तो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होती है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके बेटा, जब आपको ये क्वाड्रेटिक दे दी जाए, अब इसमें सबसे पहले आपको इस टाइप की जब भी क्वाड्रेटिक दो तो पहला टर्म आपको a के बारे में देखना है। यहाँ पर मान लीजिए सपोज a इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, अब d बेटा यहाँ से ये भी हम मान के चल रहे हैं d इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, आपको इस फॉर्म में ग्राफ सीखना है। तो बेटा यदि a इज ग्रेटर देन जीरो, d इज ग्रेटर देन जीरो, देन ग्राफ जो कैसा प्लॉट होगा उसके बारे में देखते हैं। ग्राफ आपका प्लॉट होगा कुछ इस फॉर्म में, ओके, जो बेटा इसके वर्टेक्स, जो वर्टेक्स इसके जो मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। बेटा प्रथम आप ये शायद पूछे थे ये चीज, ये बेटा सर ये माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए कहाँ से आया, यस या नो, हेलो प्रथम आवाज नहीं आ रही क्या बेटा मेरी? आ रही है सर। ओके बेटा ये चीज आपने शायद मुझसे पूछा था, तो इसको बेटा आप क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy by dx इक्वल टू 2ax प्लस बी, ओके ये चीज आई। अब बेटा जब भी पॉइंट निकालना, x की वैल्यू निकालना हमें, तो जो dy by dx इसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या कर देंगे, dy by dx इक्वल टू जीरो देन 2ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो बेटा x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का b अपॉन 2a आया। अब बेटा देखो यहां से x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a आ गया। अब बेटा हमको y का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y का कोऑर्डिनेट क्या करना है, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके बेटा, तो यहां पर आपको x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, देन आपको y फाइंड आउट हो जाएगा। y इक्वल टू देख लेते हैं इसको भी, माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी अपॉन टू ए प्लस सी, ओके बेटा देखते हैं थोड़ा सा इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर या ए कैंसिल आउट, या अपन चलिए फिर बाद में कर देंगे, फोर ए स्क्वायर, ओके माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस का सी, ओके बेटा। अब एक बार आप एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम लेने से पहले ए जो ए है और ये स्क्वायर वाला कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी, ओके बेटा एलसीएम ले लीजिए, फोर ए ऊपर देखिए क्या बच रहा है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टू, ओके प्लस का फोर ए सी, देखिए बेटा यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का फोर ए सी अपॉन फोर ए। अब बेटा हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए बेटा। अब ये देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बेटा डी होता है, ओके, तो यहां से जो आपकी वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी अपॉन फोर ए। यहां तक बेटा किसी को कंफ्यूजन, सर डी वाई बाय डी एक्स को जीरो क्यों लिया? बेटा यहाँ पर x का पॉइंट निकालने के लिए, जब भी आप x का पॉइंट यहाँ पर y होगा तो y का पॉइंट निकालेंगे तो dy by dx डिफरेंशिएशन को जीरो करना पड़ता है, ठीक है, ओके, देन तभी आपका लास्ट वाला मतलब कौन सा सेकंड y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a वैल्यू रखा, ये सर नहीं उसके बाद वाला सेट, अच्छा ये देखो बेटा यहाँ पर a माइनस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर करोगे तो बेटा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टू ए का फोर ए स्क्वायर, ओके माइनस बी, अब बेटा b ऑलरेडी था b इंटू बी, ये बेटा शेयर स्क्रीन मत करिए आप लोग प्लीज, ये तो विश्वजीत सर कर रहे हैं सर, क्या बेटा
कोई विश्वजीत नाम से कर रहा है सर। ओके इसमें शेयर स्क्रीन ऑफ कहां से होती है? सिर्फ वो इरेज कर दो ना ये जो जिसने भी किया है। ओके ओके बेटा ठीक है। अब देखो बेटा यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद बेटा यहां से ए और ए कैंसिल कर देते हैं यहां से, तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। बेटा यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व कर लीजिए ठीक है। यहां से देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी आएगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। ओके तो बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी डी बोलते हैं ना, देखो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। यस ओके क्लियर हुआ बेटा आपका? यस सर। ओके ये चीज आपकी क्लियर हुई ठीक है। अब बेटा जो क्वाड्रेटिक है अब इसको हम मतलब एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं कैसे आता है ठीक इस टाइप का। तो बेटा जो हमने लिया था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी, ओके ये चीज लिया था। अब बेटा देखो इसको कैसे क्या करना है, सबसे पहली चीज इसका ए देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन जीरो। बेटा ये पॉइंट है, ग्राफ ड्रॉ करने के पॉइंट है। पहली चीज ए देखिए, ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन डी देखिए, डी इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बेटा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देख लेते हैं, माइनस फाइव का स्क्वायर 25 माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू वन, तो गाइज कितना आ गया डी इक्वल टू वन, तो डी इज ग्रेटर देन जीरो। ओके ये सेकेंड पॉइंट आ गया बेटा। अब इसको हमें ये तो पता चल गया कि कुछ क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में होगी, बट हमें एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक ड्रॉ करनी है तो सब अब क्या करना पड़ेगा इसके रूट देख लेने हैं। अब बेटा इसके रूट क्या आ जाएंगे 2, 3। ओके तो बेटा जो एग्जैक्ट है 2, 3 रूट आ गए, तो हमें एक्स वाई प्लेन पे इसका प्लॉट करना है, तो एक्स एंड वाई, तो बेटा यहां पर कहीं 2 होगा और यहां कहीं पर 3 होगा, तो जो क्वाड्रेटिक हमारी आएगी कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी ठीक है 2 एंड 3। यहां तक बेटा क्लियर हुआ? अब बेटा कभी कभी आपसे ये भी चीजें ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे ग्राफ में ही कभी कभी पूछा जा सकता है आपकी वर्टेक्स के पॉइंट, बेटा इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट बताने या वैल्यू बतानी है, तो क्या करना है माइनस बी अपॉन टू ए। यहां से बेटा ए बी सी निकाल लेते हैं, ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है माइनस 5, सी इक्वल टू 6। ओके माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन मतलब माइनस का 5 अपॉन 2 इंटू ए, ए कितना 1, तो बेटा कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2, तो यहां से बेटा आएगा 5 अपॉन 2। ओके कॉमा बेटा माइनस डी अपॉन फोर ए, डी कितना आया था 1, तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4 इंटू ए, ए कितना है 1, तो माइनस का 1 अपॉन 4। बताए बेटा यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस ओके अब बेटा नेक्स्ट टाइप चलते हैं क्वाड्रेटिक में, नेक्स्ट टाइप कैसा होता है रफ कर दूं इसको? यस सर जो रूट आते हैं उनका एडिशन ही ले लेगा सर बी में हमने। क्या बोल रहे बेटा? कुछ नहीं सर पता चला सॉरी। ओके नहीं कुछ पूछना तो पूछ ले, ऐसा कुछ है तो बोल बेटा। नहीं नहीं सर पता चल गया। ठीक ठीक ओके। अब बेटा ये मत मुझसे पूछ लेना प्लीज, मुझे नहीं आता है आप लोग क्वाड्रेटिक के रूट निकालना, ये मुझे नहीं आता मैं भूल गया हूँ ठीक है, बहुत पहले मैंने पढ़ रखा था इसको, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखते बेटा आता है सर। नहीं नहीं मुझसे मत पूछ लेना, मुझे नहीं आता बट ठीक है। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही बेटा सेम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। अब यहां पर बेटा क्या करना है हमें, a सपोज मान लेते हैं लेस देन जीरो हो गया, ओके एंड d कितना आ गया बेटा ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो देन क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे, आपको ये सारी चीजें माइंड में बसा लेने, जितना ग्राफ है जैसे ही फंक्शन बताऊंगा तो आपको जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक दिखे तो आपको तुरंत रफली डायग्राम ड्रॉ करना एटलीस्ट आना चाहिए ठीक है। हर एक क्वाड्रेटिक पैराबोला क्यूबिक एक्सपोनेंशियल इनका रफली डायग्राम का आइडिया होना चाहिए आपको एटलीस्ट, तभी फंक्शन पढ़ने में मजा आएगा। देन देखते हैं बेटा ए इज लेस देन जीरो डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका जो कुछ ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके यहाँ पर जो रूट्स हैं अल्फा इंटू कॉमा बीटा, नोट कर लीजिए बेटा इसको।
अब देखते हैं इसको, इसको इस पे भी एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, ये इसको रहने दे, क्वाड्रेटिक लेके समझाया, समझ गए आप लोग, ऐसे ही होगा कुछ, बताइए बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे थोड़ा सा चलें नेक्स्ट टाइप में। जो बेटा इसमें वर्टिक्स होगी यहाँ पर होगी, इस पॉइंट को वर्टिक्स बोलेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे तो वही सेम, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस का डी अपॉन फोर ए, ओके यस। इसको सर, ये वर्टिक्स तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी बेटा, ये वर्टिक्स थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लाइक करेगी, जब यहाँ ए बी सी की वैल्यू अलग अलग होगी, यहाँ ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू निगेटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव, ये आप देख रखे हैं क्या? नहीं ना, ये वर्टेक्स तो जनरलाइज हमने निकाला था ना, जनरलाइज क्वाड्रेटिक से निकाला था, आप याद करो हमने डिफरेंशिएशन, ये जो वर्टेक्स है हमने किस क्वाड्रेट, इसी को डिफरेंशिएट करके जनरलाइज क्वाड्रेटिक से निकाला था ना, बताइए बेटा। यस, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक से निकाला था, तो उसका जो वर्टेक्स है वो जनरल ही होगा, तो जनरल वर्टेक्स में जब बी और ए की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट बी और ए की वैल्यू रखोगे, देन डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स आएगी आपको, ठीक है बेटा। यहाँ पर ए और बी तो वेरिएबल है ना, डिफरेंट ए और बी रखोगे आपको वैसे ही आपको वैल्यू मिलेगी वर्टेक्स की, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, वही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो, देन डी इज लेस देन जीरो, या डी इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन जीरो बी इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ये भी तो टाइप है, D इक्वल टू जीरो। बेटा इसका कुछ देखते हैं ग्राफ, कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, ओके नोट कर लीजिए इसको भी, जिसका एग्जांपल आपको लगे कि नहीं सर इसका एग्जांपल बता देना, तो उसका एग्जांपल मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं जनरलाइज से मैं सारे ग्राफ बता रहा हूँ आपको, पहले ही बोले दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो आएगा, तो आप लोग पढ़ रखे होंगे टेंथ नाइन्थ में या इलेवंथ में पढ़ाया जाता है, डी इक्वल टू जीरो ए इज ग्रेटर देन जीरो, या ए के बार केवल डी इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। यहाँ लिख भी सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर बेटा a इज लेस देन जीरो, देन d इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका देखते हैं बेटा क्वाड्रेट ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ बेटा कुछ आपका इस टाइप का बनेगा, x एंड y, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसका देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, सॉरी इसमें क्या पहले कंडीशन तो लगा दे, a इज ग्रेटर देन जीरो d इज ग्रेटर देन जीरो, ओके। तो बेटा कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का प्लॉट होगा x एंड y, ओके बेटा। जो नेक्स्ट और लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो यहाँ बेटा क्या है, a इज लेस देन जीरो, d इज ग्रेटर देन जीरो, देन इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ओके कुछ ऐसा। बताइए बेटा यहां तक किसी को डाउट है, आप इनको आप बस जो इसका वही वर्टेक्स मैंने सबका बोल रखा, वर्टेक्स वही होगा माइनस बी अपॉन टू ए, जो ये वर्टेक्स ये सारे ग्राफों का जो वर्टेक्स होगा ये वही होगा माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस बी अपॉन फोर ए, रब कर दूं बेटा, यस ओके।
सर बोलिए बेटा। सर जब डी नेगेटिव होगा तो सर रूट्स तो आएंगे ही नहीं। यस बेटा, तो इसमें रूट्स नहीं आएंगे, रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं ना। जैसे आप रूट्स निकालेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, इमेजिनरी रूट्स मतलब इस टाइप के आएंगे ना आपको, कुछ वन प्लस रूट के अंदर थ्री आई अपॉन टू इस टाइप के आएगा ना कुछ रूट। यस या नो? यस सर। इस टाइप के रूट्स आएंगे तो आप इतना तो इमेज बस इमेजिन कर लीजिए, आप इतना रूट आ रहा है तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, रूट्स तो आएंगे बट इसमें क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो हमें तो क्या है, जो रियल एक्स वाई प्लेन है ना, तो रियल एक्स वाई प्लेन पर इमेजिनरी रूट्स को तो हम शो नहीं कर सकते, इसलिए इसके रूट्स तो आएंगे आएंगे, बट क्या आएंगे, रियल अनइक्वल, रियल अनइक्वल, सॉरी रियल नहीं, इमेजिनरी रियल नाम आ रहा है। ओके अब बेटा देखते हैं कुछ क्वाड्रेटिक। अब आप लोग बहुत जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, दो तीन क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ओके, दूसरा फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। ओके, यहां बेटा एक्स की जगह हमने एस रख दिया है। ओके, यहां पर अगला रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री। बेटा जो तीन क्वाड्रेटिक आपको हमने दी है, इसको आप प्लीज ग्राफ ड्रॉ करिए एक्स वाई प्लेन पे। बेटा ड्रॉ करिए तीनों का आप लोग। इसका देखते हैं a is greater than 0, इसका देखते हैं बेटा, मत कर प्लीज।
लास्ट जो मैं बोल रहा था, आप लोग क्वाड्रेटिक तो लिख लिया था ना एटलीस्ट? इसका मैं शायद कर रहा था। ओके सर, लास्ट वाले का डी लेस देन जीरो। लास्ट वाले का डी लेस देन जीरो है? यस सर। हेलो सर। ये बेटा सेल भाव भास्कर, ये जो विश्वजीत नाम से आ रहा है ना, आप रिमूव करके ये जो नाम चेंज करके आ रहा है सर। सर लेकिन अभी आप मीटिंग क्लोज कर दो ना, अलाउ ही मत करो किसी को। ये मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सेल भास्कर ये। सर मैंने नहीं किया सर, ये नहीं है वो विश्वजीत करके कोई आ रहा है सर, वो 12 हो जाते हैं, विश्वजीत जाता है तब पार्टिसिपेंट्स। अच्छा ओके, ऐसा कुछ, चलिए ठीक है सर। अभी अलाउ ही मत करो किसी को सर। तो अलाउ इसमें पार्टिसिपेंट, यार इसमें तो शेयर स्क्रीन में तो मैंने ऑफ कर रखा है शेयर स्क्रीन। नहीं सर, आप पार्टिसिपेंट्स को अलाउ मत करो, सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी में जा, अच्छा सेटिंग में जाएं। तो इसमें एक्चुअली क्या है ना यार, कि ज्यादा मैं इसका यूज नहीं करता हूँ शेयर साउंड। आप लोग कुछ जानते हो बताइए। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखते बेटा यहां से इसका जो क्या एज ग्रेटर देन जीरो आएगा, सॉरी एज ग्रेटर देन जीरो मतलब एज रूट ग्रेटर देन रूट थ्री, मतलब इसका रूट थ्री का मीन से यहां ना ये रूट थ्री ना लिख के हम लोग ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे। ओके a is greater than 0, then d equal to b square minus 4ac, b square कितना आएगा बेटा, 10 का square minus 4 into a कितना है, root 3 into 7 root 3, 100 minus कितना आएगा बेटा, 7 into 4 28 into 3, ये तो d is greater than 0 ही आएगा ना इसका, greater than 0 आएगा sir। हाँ तो greater than 0 आएगा तो इसके roots आएंगे। अब रूट्स आप लोग निकाल लेना, कुछ ग्राफ इसका इस तरह ही प्लॉट होगा। ओके yes. तो बेटा आपको अब हम ये मान के चले कि आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ और क्यूबिक पॉलीनोमियल के ग्राफ आप लोग रफली एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए यस या नो। ओके रिद्धि बेटा बताओ, आप अब तो कोई ऐसा ग्राफ नहीं, यदि हम आपसे बोल दिए डायरेक्टली कुछ इस टाइप के ग्राफ, जैसे मान लो 6x² - 3x - 7 मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ आप कर लोगे ना ड्रॉ? यस सर। ओके तो ठीक है क्यूबिक। अब बेटा आप लोग जो कुछ बुक्स वगैरह आर डी शर्मा वगैरह जो भी हो, तो आप उसमें कुछ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक देख के आप लोग घर पे ही ट्राई करना, ठीक है। और बेटा बेहतर होगा कि आप लोग जैसे यहाँ पर जैसे मैंने तुरंत रूट्स निकाल दिए थे ना, जैसे अब इसके रूट्स क्या होंगे, ये जैसे ये क्वाड्रेटिक इसके रूट्स क्या होंगे, तो आप लोग इसको रूट्स निकाल के थोड़ा सा एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। जितनी ज्यादा मैथ का है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और एक बार जब सेट हो जाती है ना चीजें, तो आपको जैसे सर ने बोला है, जैसे किसी एग्जामिनर में बोला, ये जैसे कभी पेपर में आया, तो आपको तुरंत आपके माइंड में रिकॉल हो जाती है चीजें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ग्राफ में स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन। बेटा ड्रॉ द मॉडुलस फंक्शन, जैसे जब मॉडुलस आ जाता है, जैसे अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये सब एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ पर ग्राफ के आगे ग्राफ में हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं, देन ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। ड्रॉ दी मॉडुलस फंक्शन। ओके बेटा हमें आपको शायद हमने फंक्शन में ये चीज तो बताई थी y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना प्लॉट करना बताया था। यस सर। कुछ इस टाइप का होता है, यस या नो? यस सर।
ओके बेटा, ये ग्राफ कैसे आया था, थोड़ा सा इसको भी मैंने इसको भी थोड़ा सा तो समझाया था, शायद एक ही मिनट के लिए बताया होगा, बट बताया होगा, देखते हैं कैसे आया था ये ग्राफ। इसको पहले हटा, पहले बेटा यहाँ पर सिंपली हम लोग ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू x की लाइन, y इक्वल टू x की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस लाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब बेटा y इक्वल टू x का जब ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, सबसे पहली चीज y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करें, इसके बाद बेटा अब इसमें हमें जो x आ रहा है इसमें मॉडुलस लगा देना है, हमें इसमें मॉड लगा दें, सेकंड कंडीशन मॉड लगा देंगे बेटा। मॉड लगाने के बाद आप लोग इसमें जैसे निगेटिव x की जब निगेटिव वैल्यू रखोगे, देखो बेटा जैसे x इक्वल टू माइनस थ्री, x इक्वल टू माइनस थ्री, या x इक्वल टू माइनस फाइव, बेटा y कितना आ रहा है, y इक्वल टू थ्री आ रहा है और y इक्वल टू फाइव आ रहा है, मतलब y में निगेटिव नहीं आ रहा, y में पॉजिटिव आ रहा है मॉडुलस लगाने के बाद। ओके जब यहां पर देखिए माइनस थ्री रखोगे तो बाहर y इक्वल टू प्लस थ्री निकल के आएगा, y इक्वल टू माइनस फाइव रखोगे तो y इक्वल टू प्लस फाइव ही निकल के आ रहा है। ओके तो बेटा यहाँ पर जो यहाँ पर देखो इसमें जैसे देखो यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो यहाँ y की वैल्यू माइनस वन आ रही है। ओके यहाँ पर माइनस टू रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू माइनस टू आ रही है, जब y इक्वल टू x था ग्राफ। अब बेटा हम इसे मॉडुलस लगा देते हैं, मॉडुलस निकालने के बाद हमें ये चीज आपको पता चले, यदि हम y इक्वल टू माइनस वन रख भी रहे हैं तो x की वैल्यू जो सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस वन, मतलब कहीं यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद y इक्वल टू माइनस टू रखोगे तो यहाँ पर आ रहा है, देन y इक्वल टू माइनस थ्री रखोगे ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, इसको हम रब कर देते हैं जो x एक्सिस के बिलो है, बिलो द x एक्सिस, जैसे मॉडुलस हमने लगाया तो बिलो द x एक्सिस ग्राफ, इसको पूरा हम हटा देते हैं यहाँ से, रिमूव कर देते हैं, इस ग्राफ को हमने रिमूव कर दिया। ओके अब इसको बेटा जो रिमूव कर दिया, देन जो इसके जस्ट मिरर इमेज, जैसे जो ये ग्राफ है ये वाला, इसको ग्राफ हमने डॉटेड से शो कर दिया, इसका मिरर इमेज x एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज लेंगे हम, मिरर इमेज लेंगे बेटा तो कैसे क्या होगा, ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा, इसका जो मिरर इमेज x एक्सिस के थ्रू लेंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस फॉर्म में प्लॉट हो जाएगा। बताओ बेटा यहां तक किसी को दिक्कत, रिपीट करो ना ग्राफ का प्लॉटिंग। देखो बेटा यदि हम सबसे पहले जब मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं तो हम बेसिकली y इक्वल टू x, पहले y इक्वल टू x का बेटा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा रफली आपको यहां पर समझा दे रहे हैं, y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ इस फॉर्म में प्लॉट होगा। ओके अब बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, y इक्वल टू हमसे पूछा जा रहा है y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, आप पॉइंट के थ्रू तो कर भी सकते हैं बट अदरवाइज मैं ये चीज बताता हूँ, जो भी x एक्सिस के ब्लो बिलो जो ये है, ये जो यहाँ वाला पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है बेटा, इसको आप मिरर इमेज लीजिए x यहाँ से जो जीरो से जो x एक्सिस जैसे नीचे तो उसका जो मिरर इमेज लेंगे हम वो x एक्सिस के थ्रू लेंगे, फिर इसका बेटा मिरर इमेज लेंगे x एक्सिस के थ्रू। ये क्या हो गया सर, ये क्या हो गया? ओके तो ये जो मिरर इमेज लेंगे यहाँ से, इसका जो मिरर इमेज, इसका जो बेटा मिरर इमेज x एक्सिस के थ्रू लेंगे तो इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप का बनेगा, नहीं बताइए, x एक्सिस के लाइन x एक्सिस के थ्रू ही मिरर इमेज ले रहे हैं। ओके या आप पॉइंट से भी रख के देखते हो, यदि यहां पर बेटा x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस टू, x इक्वल टू माइनस थ्री, बेटा मत करे यार, इससे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। x इक्वल टू माइनस थ्री, अपने यार तू तो यार अपना भविष्य खराब ही कर रखा है, दूसरे का भविष्य क्यों खराब कर रहा है अपने चक्कर में, सर उसको रिमूव कर दो ना यार। बेटा रिमूव करने पे सर बाद में वो जॉइन नहीं हो पाएगा, इसको देखता हूँ अभी, ठीक है देखते हैं। अब देखो बेटा y इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो x इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, x इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री रखेंगे बेटा, देखो यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, मॉड के अंदर माइनस वन कितना आएगा, y इक्वल टू वन, अब x इक्वल टू माइनस टू रखो तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस टू मॉड के अंदर रखो तो y इक्वल टू टू, अब y इक्वल अब x इक्वल टू माइनस थ्री रखो तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, मॉड क्या होता है निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता। ओके तो यहाँ पर y इक्वल टू थ्री, तो वन टू थ्री, अब बेटा वन टू थ्री हो गया तो मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है यदि यहाँ पर माइनस वन है
इसको थोड़ा सा मैं और इसको रफ किए दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ पर बेटा माइनस वन और यहाँ पर माइनस टू, देन इस पॉइंट पे माइनस थ्री। अब बेटा देखो माइनस वन पे ग्राफ कितना आ रहा है, सॉरी आपका जो वाई वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है एक्स, माइनस वन पे वाई का कोऑर्डिनेट वन आ रहा है, तो कहीं पर पॉइंट ये आपका ये वाला लाइक करेगा, ठीक है मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब माइनस टू रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस टू रखने पर क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब माइनस थ्री रखने पर पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, ओके। इसीलिए ये सारे पॉइंटों को हमें मिला देते हैं, देन आपका ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x या y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ, देन इस टाइप का कुछ प्लॉट हो जाता है, ठीक है। अब बेटा किसी को डाउट है? ओके हमें कुछ बेटा अभी तो यहाँ पर पॉइंट रख रख के देख रहे हैं, बट कुछ ऐसे क्रिटिकल ग्राफ्स आएंगे तो हमें केवल इसके तीन कॉन्सेप्ट याद रखने। पहली चीज बेटा जो भी x एक्सिस के बिलो होगा उसको x एक्सिस के मिरर इमेज के थ्रू पॉजिटिव x एक्सिस में प्लॉट कर देंगे, ओके। जो भी चीज जैसे देखो यहाँ पर मान लो हम कोई एक रफली ग्राफ लेते हैं, कुछ इस तरह का आपका ग्राफ है, ओके। तो बेटा क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको हटा देना है। अब जैसे इसका जैसे y इक्वल टू मान लो एफ एक्स कोई ग्राफ ये है प्लॉट हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे ऐसे प्लॉट हो गया, ठीक है। तो बेटा अब हमें क्या लेना है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको क्या करना है, जो x एक्सिस के बिलो बेटा कौन कौन सा है, ये पूरी चीज x एक्सिस के बिलो है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ से हटा के मिरर इमेज आप एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो मिरर इमेज होगा कुछ इस टाइप का आएगा या नहीं बताइए। आपको बस केवल तीन कॉन्सेप्ट याद रखने, पहली चीज जैसे मॉडुलस लगे कोई भी ग्राफ को तो एक्स एक्सिस का जितना भी ग्राफ बिलो में है उसको एक्स एक्सिस को मिरर मान के या एक्स एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। बताइए बेटा यहां तक समझ में आया या नहीं? यस सर। ओके अब बेटा मैं और थोड़ा सा कुछ ग्राफ को बढ़ रहा हूं, देखते हैं। अब जैसे बेटा आपसे पूछा जाए, मैं कोई एक सिंपली ग्राफ दे रहा हूं y इक्वल टू मान लो एफ एक्स कुछ इस टाइप का ग्राफ प्लॉट है एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट है, कुछ इस तरह का प्लॉट है बेटा ग्राफ, ठीक है। मेरा कुछ उतना अच्छा नहीं बन पाया कुछ, आप मान लो थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं यहाँ से फिर से, और कुछ इस तरह का बेटा आपका ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए बताओ आप मॉड ऑफ एफ एक्स, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा बेटा, जो ये वाला पोर्शन है कौन सा पोर्शन, बिलो x एक्सिस। आपको बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना, बिलो x एक्सिस का पोर्शन रिमूव करना है यहां से, इस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, देन आपको प्लॉट करना है x एक्सिस को मिरर इमेज लेके, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा, ओके और देखते हैं ग्राफ कुछ। जैसे मान लो सपोज आपसे बोला गया y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, log x का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो बेटा y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, पहले हमें तो log x का ग्राफ आना चाहिए, log x का ही ग्राफ नहीं आता तो मॉड ऑफ log x का ग्राफ कहाँ से प्लॉट कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू log x का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा ये कुछ आपका इस फॉर्मेट में आएगा, ओके, यहाँ 1,0 पे कट करेगा, ओके। बेटा y इक्वल टू log ऑफ x का, अब क्या हमें पूछा गया है, सर ने पूछा है y इक्वल टू मॉड ऑफ log x, ओके, इसका ग्राफ पूछा है सर ने। अब बेटा क्या करेंगे यहां से, अब हमने क्या बताया, जो भी बेटा जो log x वाला जो ग्राफ है उसका बिलो x एक्सिस का जो भी निगेटिव पोर्शन में ग्राफ है उसको क्या करना है, हमें मिरर इमेज x एक्सिस के अलोंग ले लेनी, ओके, देखते हैं। या यहीं पर हम ग्राफ ड्रॉ किए दे रहे हैं, अब ये कुछ आपका कैसा ग्राफ होगा, इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और देखते हैं ग्राफ,
तो ये ग्राफ आपका वाई इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ प्लॉट हो गया। ओके बेटा थर्ड पॉइंट, अब आपको कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का ग्राफ आया, जैसे वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इसका ग्राफ रफली मैं ही प्लॉट कर रहा हूं। ओके तो यहां सर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री या इसके रूट्स भी यदि हम देखें तो वन कॉमा कितना आएगा, इसका रूट्स माइनस वन कॉमा थ्री आएगा, देख लो एक बार चेक कर लेना बेटा आप लोग, माइनस वन रखो तो माइनस वन कॉमा थ्री देख लेना फिर भी आप लोग रीचेक कर लेना बेटा, इसके रूट्स आ गए। अब मैं इसको डायरेक्टली प्लॉट कर रहा हूँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री को, अब ये नहीं बता रहा हूँ इसका ए निकालू डी निकालू, अब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो आपका इसका जो ए आएगा वो ग्रेटर देन जीरो है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, आप लोग निकाल लेना ठीक है। यदि इसके रियल रूट्स आ रहे हैं तो डी भाई ऑब्वियस बात है डी ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ओके तो यहाँ पर बेटा कुछ आपका इस टाइप का एक प्लॉट होगा ग्राफ। ओके यहाँ माइनस वन यहाँ थ्री, अब बेटा क्या करना है आपको इस ग्राफ को, हमें ये वाई इक्वल टू किसका है, सिंपल ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री का। अब हाँ हमें प्लॉट करना है, हमें रिक्वायर्ड ग्राफ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके देखते हैं बेटा इसको, बस वही और करना कुछ नहीं इसमें भी सेम चीज बेटा, ये जो निगेटिव या बिलो एक्स एक्सेस है, बिलो एक्स एक्सेस को जस्ट एक्स एक्सेस को मिरर इमेज बना के आपको रिवर्स कर देना, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में ग्राफ प्लॉट कर देना, तो जो कुछ ग्राफ आपका आएगा ऐसे यहाँ पर, इसके बाद कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएगा देन। ओके यहाँ पर जो बेटा लोअर पॉइंट कितना आ रहा था जो भी आया निकाल लेना आप, यहाँ पर भी जो ये पॉइंट जो भी अपना वर्टेक्स आप लोग निकाल लेना ठीक है, माइनस बी अपॉइंट टू ए कॉमा माइनस डी अपॉइंट फोर ए से। बताए बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है या नहीं, मतलब सर जब मोड में होगा तब उसका मिरर इमेज हो जाएगा। यस बेटा जैसे देखो फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मॉड नहीं ले रहा हूँ मैं, वाई को मॉड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आगे अभी हम नेक्स्ट टर्न में शायद कल बताऊं मैं जब वाई को मॉड लेंगे, अभी तक हम बेटा क्या बता रहे हैं वाई इक्वल टू, जब आपको एक सिंपल एफएक्स का ग्राफ दिया हो यदि वाई इक्वल टू मॉड ऑफ, सर वही सर मतलब वाई इक्वल टू जो फंक्शन होता है उसको मोड लेते हैं तब ऊपर चला जाता है, तब हाँ तब यदि वाई जो फंक्शन है उसका जब मॉड लेंगे बेटा तो जो बिलो एक्स एक्सिस होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मिरर इमेज मान के वो अबव एफ एक्सिस चला जाता है ठीक है, कोई भी ग्राफ आप। ओके सर ओके, अब बेटा आप लोग एक दो ग्राफ दूं मैं, आप लोग प्लीज कोशिश करिए, एक तो हो भी जाएंगे कोई, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई हार्ड वाली चीज है, कुछ है क्या आपको लगता है क्या कोई बहुत हार्ड टाइप की चीज है इसमें, बिल्कुल इजी सा है, बस दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं बेटा। यदि हमसे बोला जाए मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है कैसा भी ग्राफ हो आपको क्या करना है, पहला स्टेप हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, सेकंड स्टेप देन जो भी बेटा बिलो एक्स एक्सेस है उसका उसको हम अबव एक्स एक्सेस ग्राफ प्लॉट कर लेंगे मिरर इमेज एक्स एक्सेस को मान के। ओके बस दो पॉइंट है, दो पॉइंट आप याद रखना बस, इसके बाद आपको ग्राफ जैसे भी कैसे भी ग्राफ आए आपको तुरंत आप लोग प्लॉट कर लेंगे ठीक। कुछ देखते हैं बेटा और ग्राफ, कुछ देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स, बेटा मॉड ऑफ साइन एक्स हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मीन आपको आता है मेरा वही मतलब होता है ठीक, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को आता है ठीक है। कुछ इस फॉर्म में y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट होगा। ओके अब बेटा क्या करना है, y इक्वल टू यहाँ पर y यहाँ पर x ठीक है, अब हमें y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, देन क्या करना है y इक्वल टू हमें पूछा क्या गया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स ग्राफ, सेकंड स्टेप में बेटा जो भी निगेटिव पोर्शन है यहाँ पर देखो ये पूरा निगेटिव पोर्शन है, यहाँ पर ये पूरा निगेटिव पोर्शन है एंड ये पूरा निगेटिव पोर्शन है और ये पूरा निगेटिव पोर्शन, इसको बेटा क्या करना है हमें x एक्सिस को मिरर इमेज मान के आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए अबव x एक्सिस। ओके अब देखो यहाँ तो आपका ऐसे ही कुछ रहेगा, अब ये वाला जो ग्राफ इसको हट के यहाँ फ्लिप हो जाएगा कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ओके यहाँ भी कुछ सेम,
बताइए y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x का जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, इसमें किसी को डाउट? नो सर। नो सर। अब समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। अब हम मानते हैं y इक्वल टू cos x, इसका ग्राफ प्लीज बेटा अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, आप लोग सब कोई करिए। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका भी ग्राफ कॉपी में प्लॉट करिए, ये सब मॉड में करना है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखते हैं बेटा cos x का ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x, ओके, ये है y इक्वल टू sin x। बेटा cos x का ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा, ओके। अब यहां से क्या करना है, अब ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, इसी ग्राफ में हम y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कोशिश करते हैं। देन बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये हटेगा यहां से, निगेटिव बिलो जो x एक्सिस है वो पोर्शन हट जाएगा यहां से, क्या करना है ये x एक्सिस को मिरर इमेज लेकर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ओके। ये आपका अप ग्राफ क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ, ओके। अब बेटा क्या करना है, हमें नेक्स्ट ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बेटा इसके हमें अब सिंपली पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी लास्ट में हमने बता रखे इसके रूट्स क्या आएंगे, 2, 3, इसका a है ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट b होगा ग्रेटर देन 0, तो कुछ ग्राफ जो आपका आएगा प्लॉट होगा कुछ इस टाइप का, ओके, x एंड y। बेटा यहाँ पर 2 है पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट है। अब क्या करना है हमें, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मॉड वाले का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो बिलो x एक्सिस है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करने के बाद x एक्सिस को मिरर इमेज मान के कुछ ग्राफ आपका इस टाइप का प्लॉट, ठीक। बताइए बेटा अब जो यहाँ तक किसी को डाउट है या नहीं हो तो प्लीज बेटा, जितने भी स्टूडेंट, सबसे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक किसी को डाउट हो, क्योंकि ये जो मॉडुलर फंक्शन है ना, जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब मैं बताऊंगा तो बेटा आप यदि पूछ लिया जाएगा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, बेटा इसमें माइनस 2π से 2π इसके बीच में डिफरेंशियबिलिटी जब बताओगे ना, जो शार्प कॉर्नर है, अभी मैं थोड़ा सा एक जस्ट पॉइंट, जो शार्प कॉर्नर ये बेटा, जो शार्प कॉर्नर यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा, कंटिन्यूअस तो मैंने बता ही रखा है बिना पेन उठाए जब ग्राफ बना दिया जाए, और डिफरेंशियबिलिटी जो शार्प कॉर्नर है वहां पर नॉन डिफरेंशियबल होगा, तो आपको एक एक पॉइंट में मैं चेक नहीं करने दूंगा, आपको ग्राफ आने चाहिए, ठीक है। मॉड ऑफ साइन एक्स जैसे ग्राफ आपको पूछा जाए, इसमें माइनस 2π टू 2π डिफरेंशियबिलिटी पूछे, यहाँ पर 0π 2π, यहाँ पर कितना आएगा माइनस पाई माइनस 2π, तो बेटा माइनस 2π टू 2π कितने पॉइंट डिफरेंशियबल होंगे, नॉन डिफरेंशियबल 1, 2, 3, 4, 5, आपको ऐसे ही आंसर देने हैं सर, 5 पॉइंट नॉन डिफरेंशियबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर 2π और माइनस 2π और 2π इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसी तरह जैसे अब यहाँ पर बोल दिया जाए वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बेटा इसका इस पे बताइए, यहाँ पर मैं आपसे बोल दूं 0 to 6, इसको जो 0 to 6 के बीच में बताइए यहाँ पर कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन आ रहा है, तो यदि आपको ग्राफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करिए, यहाँ पर कहीं 0 होगा, यहाँ पर कहीं 6 होगा, आपको केवल शार्प कॉर्नर यहाँ पर 2 और 3 पर ही शार्प कॉर्नर दिख रहे हैं, तो 2 और 3 पर ही डायरेक्टली आपको क्या बोल देंगे, 2 और 3 पर नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जब पढ़ेंगे तो बहुत लार्ज वे में पढ़ेंगे। बताइए ग्राफ में, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में किसी को डाउट है, या पॉलीनोमियल में किसी को डाउट है, या क्वाड्रेटिक में, इन तीनों जो तीन चीजें मैंने पढ़ रखी है, तो इनमें किसी को डाउट है, डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ लीजिए। मतलब साइन एक्स में सर 5 पॉइंट हो गया, उससे ज्यादा हो सकते हैं ना? अरे बेटा मैंने एक डोमेन फिक्स कर दी माइनस 2π टू 2π, देखो माइनस 2π टू, ये तो इनफाइनाइट, इसमें नॉन डिफरेंशियबल होंगे, मैंने एक डोमेन देखो यहाँ पर माइनस 2π टू 2π फिक्स कर दिया ना बेटा प्रथम,
तो यहाँ माइनस टू पाई, तो टू पाई के बीच में देखेंगे ना, इधर आप थोड़ा देख सकते हैं हम, लेकिन माइनस टू पाई टू टू पाई उसका फिक्स होगा तो क्या होगा सर पॉइंट उसका? हाँ, इसके तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट फिक्स ही हो रहे हैं। देखो ग्राफ से आप देखो ना, इसमें मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये तो ग्राफ बता रहा है आपका, ये तो आप भी गिन लोगे। मैंने शार्प कॉर्नर गिनने के लिए बोले नॉन डिफरेंशियल, अभी केवल आप इतना याद रखिए कि शार्प कॉर्नर पे फंक्शन, सॉरी जो फंक्शन है या ग्राफ है वो नॉन डिफरेंशियल होता है। तो शार्प कॉर्नर कहाँ पर आ रहा है? माइनस टू, सॉरी माइनस टू पाई, माइनस पाई, जीरो पाई, टू पाई, ओके, यहाँ पर ही शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट कितने होंगे? अब यहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर हमने बोल दिया जीरो टू सिक्स के बीच में, इसमें डोमेन हमने फिक्स कर दिया, डोमेन हमने फिक्स किया, इसकी डोमेन ये नहीं होगी, ठीक है? फिर मैं बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर एक डोमेन फिक्स कर दिया जीरो टू सिक्स के बीच में, बताइए बेटा कितने नॉन डिफरेंशियल पॉइंट है। तो आपको जहां पर सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करना दिख रहा है, यहाँ पर सॉल्व करना दिख रहा है, तो आप क्या बोल दोगे? टू और थ्री पर सर नॉन डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. बेटा रिद्धि बताओ, अब आपको कोई डाउट है इसमें? क्योंकि कल मैं इस तरह का कुछ, जब y की तरफ मॉड लग जाएगा, मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, y मॉड ऑफ y इक्वल टू fx, देन आपको कैसा होगा, फ्लिपिंग y एक्सेस के अबाउट होगा या x एक्सेस के अबाउट होगा, ठीक है? ये कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? Yes. Okay, sir. अब आप लोगों का जो होमवर्क है बेटा, आर डी शर्मा है ना आपके पास, सबके पास आरडी शर्मा होगी या नहीं बेटा? टोल की बताइए। नो सर, अच्छा आरडी शर्मा नहीं, मतलब ट्वेल्थ की कोई भी मैथ्स की बुक है? अच्छा ठीक है, जिसके पास जो सर एमटीजी है सर, जो भी हो, जो भी हो, ठीक है, एमटीजी या टाटा मैग्रेल, जो भी बुक हो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, जो भी बुक हो आपको, उसमें आप लोग प्लीज डोमेन के पांच क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा अच्छे लेवल के, ये नहीं कि आप बिल्कुल इजी इजी लेवल के करके चले आओ, और रेंज के फाइव क्वेश्चन, ये आपको करके आने हैं, ठीक है? मतलब आपको रिवीजन करना है, ये होमवर्क में है आपका, ठीक है बेटा? कल देखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बेटा।